अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें और ये देखें मम्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? घर का काम कर रही थी। ये देखिए रयान को दिखा हमने, रयान को सो रहा है, बेटा चिड़ रहा है, कोई बात नहीं। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? मैंने आप लोगों को कहा भी था, कमेंट करके बताएं क्या करना चाहिए। ये शिमला मिर्च के लिए मामा पानी दिएगा। रात भर सोया नहीं बच्चा, इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है उसे, पूरी रात तड़पा हो गया। उठा हुआ मैं देखा। चले मैं रयान से आप लोगों को मिलवाती हूँ। रयान हाय करो, आप बताओ आपके पाँव पे आप कैसा दर्द है? देखें कितना कमज़ोर हो गया, बिल्कुल सूखी हड्डी हो गया है ना। ये देखें पाँव रयान का। चलें हम मम्मा के पास चल के मिलते हैं। आप लोग किस तरह बनाते हैं आप लोग बताना, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग जो है मुझे बताएं कमेंट करके कि रयान को क्या करना चाहिए, वो भी आप लोगों ने नहीं बताया। अच्छा तो वो लाइक सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन की जो है घंटी की बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो है आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए मेरी। अभी तो मुझे वो क्या नाम है वीडियो की कोई पता है नहीं, इसलिए नहीं हूँ मैं यूट्यूब पे। आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह ताला मैं कामयाब हो जाऊँगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार देंगे। अभी मुझे जो है वो नहीं आता बनाना इसकी कि किस तरह बात किए जाते हैं, किस तरह वो, लेकिन जो भी है मतलब मेरे दिल में जो भी बात होती है, जैसे कि मैं घर में बात करती हूँ, आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ मैं, वैसे ही सारे बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करके, मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हर बात। कि मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग तो मेरी फैमिली है, और मुझे पता है, उम्मीद है कि आप लोगों से मुझे मोहब्बत भी इतनी मिलेगी कि, और मुझे ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत शिद्दत से सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, बस कुछ मजबूरी भी होती है इंसान की, कुछ मजबूरी भी है, ये बात नहीं है कि नहीं। इंसान जब इस काम पे चलता है तो मजबूरी से, कोई भी काम करता है तो अपनी मजबूरी से करता है, लेकिन बस आप लोग शायद मुझे समझें, तो मुझे समझ के मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आप लोग। बड़ा
किराए की घर है, कारोबार है नहीं, ना ही नौकरी है। कारोबार था पहले, कारोबार था, कारोबार भी बंद हो गए अपनी। खैर अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला सबकी मदद करें, हमारी भी मदद करें। आप लोग मुझे साथ दें, मेरे साथ की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की मेरी। बस मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे साथ भी देंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। मेरे दिल कहता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आज एक रोटी मैं बना कर आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं एक रोटी बनाऊंगी। अभी काट के सारे काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, बिल्कुल सिंपल सादी रेसिपी है। नमक डाल लिया, ये देखिए नमक, और हरी मिर्च तो इसमें है ऑलरेडी पहले से ही। नमक शायद कुछ ज़्यादा ना हो जाए इसमें। और क्या डलेगा? सिर्फ ऑयल डलेगी। ऑयल इतना महंगा हो गया तो ये दो चीज़ें डल गई। इसी से बनेगी, बहुत मज़े की बनती है, देखिएगा जरूर। चलो मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, रोज़ाना की रूटीन फॉलो करते हैं हम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं लगता, बताइएगा कमेंट करके। इसलिए दिन की रोशनी बाहर की, इसलिए हमारी तो कोई है ही नहीं जगह बस इसके अलावा, ये जगह जो बस देखने की, यानी कि बाहर की धूप देखने की, और बहुत अच्छा लगता है। हानिया को देखा, हानिया ने क्या किया? आपकी लिपस्टिक ट्राई किया पर्पल एंड रेड कलर की। ये देखें, दोनों को देखें, ये दोनों छोटू को देखें क्या कर रहे हैं। हाय करो हंजला, हुरैरा हुरैरा, हंजला हाय करो, हाय हुरैरा, हाय करो, हाय हुरैरा, हाय करो, हाय हाय कर दिया मेरे बेटे ने। हाय, मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत तबीयत ख़राब है मेरे बेटे की। ये देखो कितना कमज़ोर हो गया तो मोबाइल में लगा हुआ। गर्मी कितनी हो जाती है किचन में, जब यानी के खाना बनता है तो बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को गर्मी लगती है? मुझे तो बहुत गर्मी लगती है जब किचन में खाना बनाओ, इसलिए किचन में जगह ही है ही नहीं, छोटा सा जगह। और मेरी किचन किचन और रूम दोनों एक ही है खैर, और ये काउंटर जो है वो बहुत छोटा सा है, इसलिए बस आप लोगों की दुआ होना चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट होना चाहिए मेरे साथ, और कुछ नहीं। और मुझे, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। छह चावल रोटी बनाएंगी, एक भाई को दे दो, ये देखें एक लेके जाएगा, एक खुरारा को देगा, एक खुद देगा। देखिए अच्छा अंजला जो है समझदार है, ये देखें इधर करो ना, तुम उधर दीवार पे क्यों घुसी हो? जब ही तो कह रही है Thank you.
बहुत अच्छी आ रही है। अंडा निकालू मामा, मैं बनाऊँ एक रोटी? नहीं, वाला देखा था पोछे भी ऐसे करते हैं, लेकिन उसके बाद एक पोछे लगाने के लिए बोलो तो उसमें रोटी हो। वैसे ऐसी बात नहीं है, आप सारे काम करते हैं। जी नहीं बेटा। आटे से खेलने में जिसको मजा आता है बताएं। नहीं करो आटे, मैंने किया है ना, मुझे पसंद नहीं है, हाथ नहीं लगाया करो खाने पीने में। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं खाना बनाऊं तो कोई हाथ लगाए और गंदा हाथ कोई भी लगाए। गंदी हाथ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चों की खाने पीने में हाथ लगे, मुझे बहुत बुरा लगता है। खाना पीना यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए और जब भी खाना पकाओ, जब भी हाथ धो के खाना बनाना चाहिए। जितना साफ सुथरा खाना होगा उतना अल्लाह पाक भी बरकत देते हैं और अच्छी बात होती है। हो रही है दांत से, चूल्हा तेज कर दिया था मैंने कि जल्दी से यानी कि तवा गर्म हो जाए। इसलिए ये देखिए कितना प्यारा कलर आया आमलेट का। चलो मिलते हैं फिर आपसे, रोटी डालते हैं। देखें जरूर शेयर करिएगा, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जरूर कि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों के पास मेरी, और आप लोगों की दोबारा को भी सपोर्ट की जरूरत है। आगे ये देखें रोटी डली है, ये देखिए अच्छा रोटी की कलर आए। आप लोग किस तरह इसी तरह यानी कि रोटी आधी कच्ची हो आधी पच्ची हो फिर तवे पे सेकते हैं या तवे पे ही सेकते हैं। ये देखिए ये देखिए जी, ये जिसको भूख लगी है वो आ जाए, खा सकते हैं हमारे साथ आके, जल्दी से आ जाए जब तक के लिए अल्लाह।